ओके, लेट अस स्टार्ट नाउ, लेट अस स्टार्ट। देखो बेटा, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज को पढ़ने जा रहे हैं। मैंने जानबूझ के लास्ट क्लास में इसके आगे नहीं पढ़ाया था। ये जो इमेज दिखा रहा है ना, ये क्या दिखा रहा है मालूम है? ये सिंपल सा चीज को बता रहा है कि अगर एक मैग्नेट इधर है और एक मैग्नेट इधर है। सर एक डाउट था, प्लीज अपने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल करा दिए थे बैच थ्री नहीं, में? नहीं कराया बेटा, नहीं कराया। तो एक मैग्नेट इधर है ओके सर, नॉर्थ और एक मैग्नेट इधर है साउथ। नॉर्थ एंड साउथ है, तो हमें मालूम है कि अगर ये दोनों मैग्नेट के बीच का ये स्ट्रेंथ अगर इक्वल स्ट्रेंथ है तो क्या होगा? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, यस और नो? यस सर, और ये मैग्नेटिक यस सर, फील्ड लाइंस विल गो फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, यस और नो? यस सर, यस सर, यही चीज यस तो हमने सर, पढ़ा था। तो यहां पर देखो, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक लाइन बना हुआ है नॉर्थ टू साउथ, यही इमेज है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक लाइन बना हुआ है नॉर्थ टू, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड समझो बेटा, ये एक मैग्नेट और ये एक मैग्नेट, इसके बीच में खाली जगह वहां पर है क्या? सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है दोनों मैग्नेट का। ये खाली जगह में मैं एक तार डाल देता हूं, एक कंडक्टर को डाल देता हूं। कंडक्टर को इस तरीके से डालता हूं कि वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से परपेंडिकुलर में है, 90 डिग्री में। मैग्नेटिक फील्ड लाइन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन, परपेंडिकुलर है। मान लो कॉपर का वायर मैंने डाल दिया मैग्नेटिक फील्ड के बीचों बीच। अब वो कॉपर का वायर जो है वो मैग्नेटिक तो नहीं होता, लेकिन अगर उसमें से करंट पास करेंगे तो वो मैग्नेटिक होगा या नहीं होगा? यस सर, होगा सर, मैग्नेटिक तो होगा। अब अगर वो मैग्नेटिक हो जाएगा तो ये जो दोनों मैग्नेट का जो ये मैग्नेटिक फील्ड है, क्या उस कॉपर वायर के ऊपर फोर्स एग्जर्ट करेगा या नहीं करेगा? करेगा कैसा करेगा? यस सर, करेगा। करेगा ना फोर्स एग्जर्ट। अब हमें जानना यही है, आपको ये तो मालूम है कि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ में जा रहा है। अगर मान लो आपको करंट भी पता है, ऊपर से नीचे के तरफ करंट जा रहा है, तो ये फोर्स किधर जाएगा? मैग्नेटिक फोर्स वो किधर, कौन से डायरेक्शन में लगेगा, ये चीज हमें पता करना है। इस चीज को हमें पता करना है कि मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, ये चीज पता करना है हमें। अब ये चीज हमें कैसे पता लगेगा भाई? तो ये चीज पता लगता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, अब ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को समझते हैं, मेरे साथ साथ आप लोग करो। ये आपको लेफ्ट हैंड, दिस इज माय लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच कर लो। यस सर, इंडेक्स, ये थंब को ऊपर, इंडेक्स फिंगर को सीधा कर लो। ऐसे कर लिया? यस सर, हाँ, जैसे यस बंदूक का सिंबल सर, देते हैं ना, बंदूक, बंदूक चला दूंगा बोल के बोलते, वही चीज हो गया। और ये जो मिडल फिंगर है, यस सर, मिडल फिंगर को तुम्हारे तरफ दिखाओ, टुवर्ड्स यू। खुद पे बंदूक चला दूंगा। हाँ, अब इसका मतलब क्या है मालूम है? ये कैसे होना चाहिए मालूम है? जस्ट सी दिस एंड दिस फिंगर, एक मिनट मैं थोड़ा इधर आता हूं। हाँ, ये देखो बेटा, दिस एंड दिस फिंगर इज परपेंडिकुलर, यस और नो? यस सर, यस। अब ये एंड ये फिंगर, दिस टू आर ऑल्सो परपेंडिकुलर, ऐसे। यस सर, यस सर, अब देखो, ये और ये भी तो परपेंडिकुलर है, दिस एंड दिस, यस सर, यस सर, ये सारे परपेंडिकुलर होने चाहिए। इस तरीके से रखो, तब क्या होगा मालूम है आपको? ये जो थंब है, थंब दिखाएगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स, थंब दिखाएगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स।
मिडल फिंगर दिखाएगा, मिडल फिंगर डायरेक्शन ऑफ करेंट, मिडल फिंगर दिखाएगा डायरेक्शन ऑफ करेंट, एंड इंडेक्स फिंगर दिखाएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. इंडेक्स फिंगर विल शो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, तो अब हम इस इमेज में वापस आ जाए, अब वापस आ जाओ इस इमेज में. इस इमेज में हम इसको ट्राई करते हैं कि देखो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड दिखा रहा है, ये हाथ ऐसे रखो इस तरीके से, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ में जा रहा है, तो ये डायरेक्शन हो गया मैग्नेटिक फील्ड का. मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाता है तुमको इंडेक्स फिंगर. करंट जा रहा है नीचे की तरफ, तो करंट दिखाएगा कौन सा, मिडल फिंगर. मिडल फिंगर करंट नीचे की तरफ, ऐसे ऐसे करंट जा रहा है, और ये थंब ऊपर की तरफ आ गया. यस और नो? यस सर. मतलब फोर्स किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ. इसका मतलब ये हुआ कि ये फोर्स इस वायर को ऊपर की तरफ धकेलेगा, ऊपर. ओके सर. ये फोर्स इस वायर को ऊपर की तरफ धकेलेगा. समझ में आया? यस सर. मतलब वायर अभी यहां पर है, वायर ऊपर जाएगा, ऊपर. ये आपको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से पता चलता है. अब जल्दी से बताओ ये किसको समझ में नहीं आया, क्योंकि अगर ये समझ में नहीं आया तो भाई इलेक्ट्रो, ये क्या इलेक्ट्रिक मोटर बिल्कुल समझ में नहीं आएगा. जल्दी बता दो. मैग्नेटिक डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सर नॉर्थ टू साउथ ही रहेगी ना, हमेशा नॉर्थ टू साउथ होगा. ओके सर. नहीं सर, वैसे पूछ रहा था इसमें. नहीं नहीं, हमेशा नॉर्थ, लेकिन मैग्नेट के अंदर है तो साउथ टू नॉर्थ होगा. सर इंडेक्स फिंगर क्या था? इंडेक्स फिंगर तुमको दिखाता है मैग्नेटिक फील्ड. सर मैग्नेटिक फील्ड इन द सेंस, जैसे मैं राइट हैंड में पता था कि अगर हमारी जो फिंगर ओवरलैप कर रही है वो बताएगा कि इस डायरेक्शन में बन रहा है. हाँ, तो वो ऐसे ऐसा, तो इसमें वो ऐसे, इसमें भी वो ऐसे बताएगा कि इस डायरेक्शन की ओर मतलब जाएगा. हाँ, तब पर ये कैसे पता चलेगा कि किस डायरेक्शन से जाएगा, ऊपर से जाएगा या नीचे से? क्या चीज? वो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? मैग्नेटिक फील्ड तो जितना मैग्नेट का एरिया है वो पूरे एरिया में होगा. ओके सर. पूरे एरिया में मैग्नेटिक फील्ड होगा भाई, और तुम उस मैग्नेटिक, देखो बेटा मैंने क्या बोला आपको, आपको बोला कि आप एक मैग्नेट को यहां से यहां रख दो, ये ऐसे और ये ऐसे, दो मैग्नेट को आमने सामने रख दो. रख दिया? यस सर. अब इस मैग्नेट का यहां पर नॉर्थ पोल है, इस मैग्नेट का यहां पर साउथ पोल है, तो इन दोनों मैग्नेट के बीच में मैग्नेटिक फील्ड होगा या नहीं होगा? मैग्नेटिक फील्ड तो इन रियलिटी इट इज इमेजिनरी ना, इमेजिनरी लाइंस है. मैग्नेटिक फील्ड है मतलब इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल और इस मैग्नेट के साउथ पोल, ये दोनों मैग्नेट के नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल के बीच में देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो हम यही बोल रहे हैं कि यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है. ये दोनों मैग्नेट एक दूसरे के अपने तरफ खींच रहे हैं. ये चीज एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? अब इन दोनों के खींचा तान में, इन दोनों मैग्नेट के खींचे तान में आपने बीच में एक कॉपर का वायर डाल दिया. कोई भी वायर, निकल का डाल दो, कोबाल्ट का डाल दो, मैंने कॉपर का डाल दिया, वायर डाल दिया, और कॉपर का वायर डाल के मैंने इसमें करंट दौड़ा दिया. आप मुझे बताओ इन दोनों मैग्नेट के बीच का जो फोर्स था, क्या वो फोर्स इस कॉपर के वायर के ऊपर काम करेगा या नहीं? करेगा. yes. Yes. करेगा. तो हमें तो यही पता लगाना है कि जब ऐसे सिचुएशन में, देखो बेटा सिचुएशन बिल्कुल अलग है यहाँ पर. अगर आप पहले बोलते हैं कि यहाँ पर कोई कॉपर का वायर नहीं है, तब तो हमें मालूम है कि मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स आपको नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है. अगर आपको सिर्फ एक कॉपर का स्ट्रेट वायर होता,
तब आप राइट हैंड थंब रूल से बता देते कि ऐसे है मैग्नेटिक फील्ड, बता देते ना। लेकिन यहां पर तो दोनों का कॉम्बिनेशन है, कॉपर का वायर भी है मैग्नेट भी है, कॉपर के वायर में करंट भी है। हाँ, वो बीच में ही लटक जाएगा दोनों मैग्नेट के? नहीं, वो ऊपर की तरफ झटका मारेगा। यहां पर इस केस में कहीं नीचे भी हो सकता है, कहीं ऊपर भी हो सकता है, डिपेंड करता है करंट कौन से डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, करंट कौन से डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो मैंने आपको बोला कि करंट का डायरेक्शन पता लगाने के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल मानना है। ये लेफ्ट हैंड, मैंने बोला हाथ को स्ट्रेच कर लो ऐसे, थंब ऊपर के तरफ, ये आपका जो इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में, और ये जो मिडल फिंगर है, हाय सौम्य, और ये जो मिडल फिंगर है, मिडल फिंगर ऐसे ऐसे, ये देखो मिडल फिंगर, ये स्ट्रेट परपेंडिक्यूलर, परपेंडिक्यूलर लाइन, इधर से देखो परपेंडिक्यूलर, ये दोनों परपेंडिक्यूलर, ऐसे देखो ये और ये भी परपेंडिक्यूलर, सारे सारे वो लाइन, वो फिंगर्स परपेंडिक्यूलर टू ईच अदर है, दे आर परपेंडिक्यूलर टू ईच अदर। इसको ऐसे रखो, खेल तीन, सिर्फ तीन फिंगर का है, थंब का, इंडेक्स फिंगर एंड मिडल फिंगर। जब ऐसे होता है तो आपका ये जो इंडेक्स फिंगर जो होता है, इंडेक्स फिंगर शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मिडल फिंगर शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ द करेंट। इसमें क्या लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, इफ द इंडेक्स फिंगर इज इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड इफ द मिडल फिंगर इज इन द डायरेक्शन ऑफ द करेंट, द थंब विल शो द मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक द थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स। तो यहां पर देखो, ये जो आपका, ये जो मैंने अभी ये जो ड्रॉइंग आपके सामने रखा है, उस ड्रॉइंग में देखो मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, यस और नो? यस सर। ये डायरेक्शन, यस सर। एंड करंट इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, यस और नो? यस सर। यस सर। तो ये मिडल फिंगर जो है इन माय डायरेक्शन, यस और नो? यस सर। और ये थंब ऐसे परपेंडिकुलर कर दिया, यस? यस सर। तो ये थंब का डायरेक्शन किस तरफ है बेटा? सर अपवर्ड। मतलब जो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन होगा वो किस तरफ होगा? ऊपर होगा। अगर इस तार के ऊपर, ऊपर के तरफ फोर्स लगेगा तो ये तार किधर जाएगा? सर ऊपर की तरफ। ऊपर जाएगा, फोर्स ऊपर तो तार भी ऊपर जाएगा। yes, समझ में आया? yes, सौम्या, yes, सौम्या तुम अभी आई बेटा? देखो बेटा, हमने, मैंने अभी जितना समझाया उसमें क्या था, आपने एक मैग्नेट इधर रखा, आपने एक मैग्नेट इधर रखा, दोनों इक्वल स्ट्रेंथ के हैं, बीच में तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा। उस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में आपने एक कंडक्टर को डाल दिया, कंडक्टर, उस कंडक्टर से करंट को फ्लो किया, तो वो कंडक्टर के ऊपर, उस कंडक्टर के ऊपर इन दोनों मैग्नेट का फोर्स लगेगा, दोनों मैग्नेट अपना फोर्स अप्लाई करेगा उस कंडक्टर के ऊपर। अब वो फोर्स किस डायरेक्शन में होगा ये पता चलता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। तो तुम्हारे आने के बाद मैंने ये जो बताया कि इंडेक्स फिंगर शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, द मिडल फिंगर शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ द करेंट, देन द थंब विल शो यू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स। समझ में आया? अच्छा, यस हार्दिक, टेल मी हार्दिक। हाँ, एक एक करके हार्दिक। सर मैं ये पूछ रहा था सर, जैसे अगर मैग्नेट, दोनों मैग्नेट्स की स्ट्रेंथ वीक हुई तो सर फोर्स फिर वीक होगा या फोर्स वीक हो जाएगा ना? स्ट्रेंथ कम होगा तो फोर्स भी कम होगा। और सर फिर तो सर फिर टाइम भी सर वो लगेगा ना ज्यादा, मतलब
वायर को ऊपर आने में? हाँ लगेगा, परफेक्ट। ओके सर। हाँ तो अब अगर आप देखो, अब अभी एक और ट्राई कर लेते हैं, हमें समझ में आया या नहीं ये जानने के लिए, ठीक है? समझ में आया नहीं, अभी करंट ये इधर आ रहा है, करंट अभी इधर इधर के डायरेक्शन में दिखा रहा है, यस। मान लेते हैं करंट इधर फ्लो कर रहा है, करंट इधर फ्लो कर रहा है, अब इसमें लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, ये है, दिस इंडेक्स फिंगर इज सेइंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, बट द करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। अब उल्टा हो गया, आपके तरफ करंट फ्लो कर रहा है, ये मिडल फिंगर, दिस वन मिडल फिंगर है ना, थंब दिखा रहा है किधर? सर नीचे की तरफ, नीचे की तरफ। आप लोग खुद भी ट्राई कर रहे हो मेरे साथ साथ? यस सर कर रहे हैं। यस सर। तो वायर किधर जाएगा, वायर किधर जाएगा? डाउनवर्ड जाएगा, डाउनवर्ड। यही चीज का इस्तेमाल किया गया है इलेक्ट्रिक मोटर में, यही चीज का इस्तेमाल किया गया है इलेक्ट्रिक मोटर में। बड़ा मजेदार है इलेक्ट्रिक मोटर। अब ये अब बताओ मुझे बेटा, यू ऑल आर 36 स्टूडेंट्स आउट हियर, किसको समझ में नहीं आया अभी बताओ मुझे, जल्दी बताओ, तभी मैं इलेक्ट्रिक मोटर। हाँ बोलो सर, जो दो मैग्नेट्स हैं वो कनेक्टर की तरफ फोर्स क्यों अप्लाई करते हैं? इन दोनों, ये दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं या नहीं खींच रहे हैं? नॉर्थ एंड साउथ है दोनों का। yes, sir. खींच रहे हैं तो फोर्स अप्लाई होगा या नहीं होगा? yes, sir. अब ये ऊपर या नीचे होगा, कैसे होगा, ये इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर कंडक्टर से करंट पास करोगे तो कंडक्टर भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा या नहीं करेगा? yes, करेगा। समझ गए? yes, हाँ yes, sir. और किसी को कुछ बेटा, एनी वन ऑफ यू, जल्दी यार, आई नीड टू सी दोज आंसर्स यार, ज्यादा बच्चों के क्लास में तो और मजा आना चाहिए। हाँ जल्दी बताओ, सब लोग बताओ, सबको आ गया? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर आ गया सर, जैसे जैसे से मैग्नेट्स क्लोज आएंगे सर, फोर्स ज्यादा होगा तो सर जो कंडक्टर है वो उड़ जाएगा ना सर, मतलब हट जाएगा ना कंडक्टर, एकदम ऊपर चला जाएगा। यस ऊपर चला जाएगा, और एकदम पास ला हो गया तो हो सकता है दोनों मैग्नेट चिपक जाए। सकते ये ट्राई कर सकते घर में? हाँ बेटा ज्यादा करंट को मत मारना, हल्का फुल्का। यस सर, बस एक बैटरी जितना मारेंगे। हाँ हाँ कर लो, ठीक है। अब देखो ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी समझ में आ गया। अब आ जाओ इलेक्ट्रिक मोटर में, इलेक्ट्रिक मोटर में आ जाओ बेटा। देखो मैंने आपको दोनों तरफ से एक 3D इमेज भी दे दिया, और साथ में आपने जो ड्राइंग वगैरह अगर से देखना है कैसा होता है तो ये ऐसे ड्राइंग भी, जो आसान, बिल्कुल आसान ड्राइंग है, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रिक मोटर है ना बेटा, अब इस इलेक्ट्रिक मोटर में देखो बेटा यहां पर क्या क्या है, पहले देखो। ये ब्रशेस है, ये ब्रश क्या करता है ना बेटा, ये दोनों तरफ होता है ब्रश, इस तरीके से, इस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है, और इसमें ये स्प्लिट रिंग ऐसे टच हुआ रहता है। ये ब्रश सिर्फ टच करता है स्प्लिट रिंग को, कनेक्टेड नहीं होता, सिर्फ टच करता है। टच इसलिए करता है कि ये ऐसे करके ऐसे करंट आएगा ना इसमें, तो ये करंट इसको ट्रांसफर कर देगा, बस ये इसको ट्रांसफर कर देगा, किसको? ये ब्रशेस स्प्लिट रिंग में करंट ट्रांसफर करेगा। हाँ हाँ बेटा, अगर ब्रशेस के बिना यूज करके अगर हम कनेक्ट करवा दे कुछ और यूज करें तो फिर आप जो इलेक्ट्रिक मोटर का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर में समथिंग शुड रोटेट, यस और नो? अगर ये लाइन का, ये आपका जो इलेक्ट्रिक सर्किट है, इस इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ अगर वो पूरा जुड़ गया तो पूरा सर्किट से विल स्टार्ट रोटेटिंग। यस सर। हमें तो रोटेट सिर्फ इसको करवाना है, ये इसको रोटेट करवाना है। यस सर।
ठीक है। अब समझो बेटा, अब आप समझो कि ये स्प्लिट रिंग से करंट गया, ये करंट इस डायरेक्शन में गया, ऐसे ऐसे गया, ऐसे आ गया, ऐसे आ गया करंट, ठीक है, समझ गए? Yes, sir. और यहां से ऐसे निकल गया, यहां से ऐसे निकल गया करंट। अब ध्यान रखना बेटा, हमें यहां पर भी समझना है कि वायर किस डायरेक्शन में जाएगा। यहां पर इधर एक मैग्नेट है, इधर एक मैग्नेट है, मतलब कंसेप्ट वही फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल वाला लगेगा। Yes, sir, लगेगा लगेगा ना, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल वाला। अच्छा yes, अब यहां पर देखो बेटा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को अगर मैं इसमें लगाने जाऊं, आप देखो अब होगा क्या, करंट पे अब देखो, ये जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां पर इस तरीके से होगा, ऐसे होगा, यस और नो? यस सर। यस सर। और जो वायर होगा, वायर को परपेंडिकुलर होना होगा, यस और नो? यस सर। यस सर। पैरेलल वायर में फोर्स एग्जर्ट नहीं होता, ये भी ध्यान रखना, सिर्फ परपेंडिकुलर वायर में होगा। Yes, sir. The conductor should be perpendicular to the magnetic field. The conductor should be perpendicular to the magnetic field. तभी ये काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अब यहाँ पर हाँ बेटा, फिर से बता दो कि Fleming's left hand rule क्यों लगेगा यहाँ पे? यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर एक मैग्नेट, यहाँ पर एक मैग्नेट है, इन दोनों मैग्नेट के बीच में मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है? Yes, sir. अब इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में ये परपेंडिकुलर वायर है या नहीं है? Yes, sir. तो और उस वायर से करंट ट्रेवल करा रहे हो, तो क्या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल नहीं लगेगा इसमें? Yes, sir, लगेगा। लगेगा, समझ में आया? अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को इसमें लगाओ, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को इसमें लगाओ, मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नेटिक कर्व, मिडल फिंगर शुड बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स द, मिडल फिंगर शुड बी सॉरी मिडल फिंगर शुड बी करेंट और फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ये देखो, पहले सिर्फ इसको लो बेटा, ए और बी को लो, ये ड्रॉइंग में करते हैं, इधर पे इस वाले में करते हैं, ये देखो यहां पर टी एंड एस, क्या ये वायर परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है? यस सर। परपेंडिकुलर सर। अब इसका करंट का डायरेक्शन, अब इसका मैग्नेटिक फोर्स नॉर्थ पोल टू साउथ पोल होगा या नहीं होगा? सॉरी मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, करेक्ट? तो मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगा ये, इंडेक्स फिंगर विल शो द मैग्नेटिक फील्ड, यस और नो? यस सर। चलो ट्राई करते, इंडेक्स फिंगर इज शोइंग द मैग्नेटिक फील्ड, सो दी ये मिडल फिंगर शुड शो व्हाट, करंट। करंट कौन से डायरेक्शन में? ऐसे डायरेक्शन में, ऐसे डायरेक्शन में, यस और नो? Yes, sir. मतलब yes, आप समझो करंट मिडल फिंगर ये है, इंडेक्स फिंगर, ये इंडेक्स फिंगर इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, एंड दिस इज शोइंग व्हाट, द करंट, करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, यस सर नो? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ, तो इसको लगाकर देखो कि आपका ये जो है थंब किस डायरेक्शन में दिखाएगा, जल्दी बताओ मुझे। नीचे की डायरेक्शन सर। आर यू श्योर? ट्राई इट आउट अगेन सर। क्या डाउनवर्ड? आर यू श्योर? यस सर। चलो यहां से डाउनवर्ड गया, मान लेते हैं डाउनवर्ड। अब ये और ये लाइन को लो, ये दोनों लाइन को लो, ये नीचे की तरफ है, करंट फ्लो नीचे की तरफ है, मतलब ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है। यस सर। इस पे अपवर्ड फोर्स लगेगा, इसमें अपवर्ड होगा ना? यस सर। यस सर। मतलब आप सोचो
कि अगर ये है, ये जा रहा है डाउनवर्ड, एक मिनट मैं कुछ और लेता हूं जो आसानी से दिखाई दे आपको, या कैन यू सी दिस रजिस्टर? अच्छा सर, ये बोल रहा है कि एस एंड टी विल गो डाउनवर्ड, ऐसे नीचे की तरफ जाएगा, यस सर नो? यस सर, यस सर। एंड एन एम एम विल कम अपवर्ड, यस सर नो? यस सर, अपवर्ड, यस सर। एक नीचे एक ऊपर, एक नीचे फेंक रहा है दूसरा ऊपर फेंक रहा है, तो होगा क्या? मान लो ये अगर ऐसे आ रहा है तो दूसरा ऐसे जा रहा है, यस सर नो? यस सर, यस सर। एक ऐसे आया दूसरा ऐसे गया तो क्या होगा? ऐसे क्या होगा बेटा, घूमेगा या नहीं घूमेगा? घूमेगा, यस सर। अब आप बोलोगे देखो यहां पर क्या होता है, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगना होता है। अब आप बोलोगे सर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स में तो फिर ये तो कैसे घूम रहा है, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स, फोर्स तो बराबर का हो गया दोनों तरफ से। लेकिन यहां पर एक देखना बेटा हो क्या रहा है, यहां पर दो पॉइंट में फोर्स लग रहा है, एक यहां एक यहां, यहां पर लग रहा है डाउनवर्ड और यहां, यहां पर मान लो अपवर्ड है तो यहां पर डाउनवर्ड, वाइस वर्सा, ऐसे फोर्स लग रहा है तो ऐसे फोर्स लगेगा तो ये ऐसे करके घूमेगा, ऐसे करके घूमना शुरू हो जाएगा। अच्छा अब इसी का मैं एग्जांपल दे देता हूं, गाड़ी चलाते हो स्टेरिंग, स्टेरिंग का हाथ देखो, एक अपवर्ड दूसरा डाउनवर्ड, एक अपवर्ड दूसरा डाउनवर्ड, तभी तो टायर घूमेगा। मतलब आप समझ गए घर में पानी वाला मोटर कैसे काम करता है, पंखे में जो मोटर लगा होता है वो कैसे काम करता है, सिंपल है। यहां पर लगा है, यहां से लगा है आपको पंखा, पंखा घूमने लगा, समझ में आया? मैं आपको 3D दिखा देता हूं, देखो मैं एक 3D, मैं आपको एक एनिमेशन दिखा देता हूं, लो देखो कैसे घूम रहा है, देखो समझ रहे हो, एक तरफ से फोर्स ऊपर एक तरफ से फोर्स नीचे, हाँ बेटा हाँ। अब आप देखो, आप लोगों ने क्या बोला था सर ब्रश पूरा कनेक्ट हो जाता तो क्या होता? बेटा ब्रश कनेक्ट हो जाता तो क्या ये पार्ट घूमता, ये गोला स्प्लिट रिंग घूमता? नो सर, नहीं घूमता सर। मतलब हाँ बेटा बोलो सर, मतलब रबड़ पार्ट सर रोलिंग में मदद करता ना, रोटेशन में मतलब? हाँ रोटेशन में मदद कर रहा है ये पूरा। ओके सर, अब हो गया क्लियर सबको? किसको नहीं आया समझ में बोलो? बेटा डिपेंड करेगा करंट का फ्लो किस डायरेक्शन में है, करंट का फ्लो किस डायरेक्शन में है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सिंपल सा चीज, सिंपल सा चीज, एक बार दोबारा से समझ लो। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, समझ लो। देखो बेटा हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाना है इलेक्ट्रिक मोटर के फंक्शनिंग में। इलेक्ट्रिक मोटर में ये ब्रशेस होते हैं, ये दोनों रिंग के, ये जो ए सी बी डी जो लिखा हुआ है दीज आर ब्रश, ये ब्रश इस तरीके से होता है, ऐसे ऐसे करके ब्रश होता है, ये ब्रश से कनेक्टेड होता है ये स्प्लिट रिंग। स्प्लिट क्यों बोला गया, देखो बीच में गैप होता है ना, टूटा हुआ आधा एक तरफ आधा एक तरफ, इसीलिए इसको बोला जाता है स्प्लिट रिंग। और ये स्प्लिट रिंग में कनेक्टेड, स्प्लिट रिंग से टच करता है ये ब्रश। ये ब्रश क्या करता है, यहां से करंट आया, यहां से करंट आया, ब्रश में आएगा, ब्रश से ये स्प्लिट रिंग में करंट आएगा और स्प्लिट रिंग से ये करंट ट्रांसफर होगा। समझ में आया अभी यहां तक? आ गया समझ में?
हाँ बोलो बेटा सर, ये जो इसमें सर ब्रश होता है जो सर आगे उसपे से जो है सर वो मेटल का या फिर सर रबड़ है? कार्बन का होता है जनरली, जैसे इलेक्ट्रोड्स होते हैं वैसे ही होता है। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ अब समझो बेटा, अब ये करंट यहां से जा रहा है तो ये देखो ना, ये पॉजिटिव है ना, करंट हमेशा तो कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट तो पॉजिटिव से होता है, याद आया? यस सर। हाँ yes, तो ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा ऐसे जाएगा, यस सर नो? यस सर। अब ये देखो एस और टी के बीच में जो है ये परपेंडिकुलर वायर है, मतलब ये मैग्नेट ये मैग्नेट ये मैग्नेट में ये मैग्नेटिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे परपेंडिकुलर वायर, तो इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में वायर से करंट पास कर रहे हैं तो क्या होगा, फोर्स एग्जर्ट करेगा, यस और नो? सर हाँ yes, sir. तो यहां पर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ऐसे बना लो, इंडेक्स फिंगर दिखा रहा है मैग्नेटिक फील्ड कौन सा डायरेक्शन में, नॉर्थ टू साउथ में, मिडल फिंगर दिखा रहा है करंट, करंट मेरे तरफ तो नहीं जा रहा है, करंट तुम्हारे तरफ जा रहा है, और ये थंब दिखाता है फोर्स, थंब दिखा रहा है मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन। तो इस केस में मैग्नेटिक फोर्स यहां पर इस वायर को नीचे की तरफ ले जाएगा, डाउनवर्ड नीचे की तरफ ले जाएगा। आ गया सबको समझ में? नहीं आया तो खुद ट्राई करो। हाँ उंगली ऐसे रखो, उंगली रख के समझो। अंडरस्टूड सर। अब ये साउथ पोल में देखो करंट आ रहा है नीचे की तरफ, ये मैग्नेटिक फील्ड है, करंट मेरे तरफ है नीचे की तरफ, थंब ऊपर, तो ये मैग्नेटिक फोर्स किधर गया, ऊपर, तो ये वायर घूमेगा अपवर्ड, यस सर नो? यस सर। एक नीचे yes, एक नीचे धकेल रहा है, दूसरा ऊपर फेंक रहा है, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर घुमा, समझ में आया? यस सर। मोटर घूम गया, पंखा भी घूम गया। हाँ बोलो बेटा अब क्या? एक्सक्यूज मी सर, सर डाउट ये है कि सर जो ब्रशेस हैं सर वो स्प्लिट रिंग से कनेक्टेड होते हैं? वो स्प्लिट रिंग से कनेक्टेड नहीं होते हैं, सिर्फ उसको टच करते हैं, टच। ओ ठीक है सर, तो उसमें मतलब वो बैलेंस होता है इस तरीके। हाँ कनेक्टेड रहेगा तो वो घूमेगा नहीं बेटा, फिर सारा सर्किट घूमेगा फिर। यस सर। हाँ क्लियर एवरीवन? हाँ सर, जैसे सर एसटी में सर करंट सर अपर डायरेक्शन में जा रहा है, हाँ सर मतलब फिर हमारा फोर्स सर डाउनवर्ड है, तो सर हम ये कह सकते हैं कि जब करंट अपवर्ड जाएगा तो फोर्स डाउनवर्ड और जब करंट डाउनवर्ड जाएगा तो फोर्स अपवर्ड। देखो बेटा आप यहाँ पर जो देख रहे हो ना बेटा, ये 3D ड्राइंग में नहीं देख रहे हो, एक्चुअल सिचुएशन में, सो डोंट से दिस। एक्चुअल मशीन पे उंगली लगाओगे तो फिर कुछ और हो जाएगा, अभी आप समझ रहे हो ठीक है, ये ऊपर भी नीचे भी हो सकता है, ऊपर नीचे ऐसे घूम सकता है, ऐसे घूम सकता है, ठीक है, वो पूरा उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है अच्छा अब आगे आगे, ये इलेक्ट्रिक मोटर इज क्लियर टू एवरीवन? टेल मी, हरी अप। यस सर। यस सर। यस सर। मुझे ना अभी भी 36 स्टूडेंट्स का जैसा लग नहीं रहा है ये क्लास, आया समझ में? यस सर। ये इतना बार पूछ रहा हूं मतलब इंपॉर्टेंट चीज है इसीलिए पूछ रहा हूं मैं। ओके तो अब ये हो गया, इलेक्ट्रिक मोटर खत्म हो गया, मतलब अब हम आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में बेटा। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ओवर, नाउ यू नीड टू लर्न अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में मैंने क्या बोला था, डू यू रिमेंबर लास्ट क्लास? यस सर। लास्ट क्लास में इफ यू रिमेम्बर मैंने बोला था कि अगर वो क्या नाम है जिसने मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डिस्कवर किया था, क्या नाम है?
सर हाँ हैंस और स्ट्रेड है ना। उस बंदे ने, उस भाई साहब ने क्या बोला, उस भाई साहब ने बोला कि अगर तुम्हारे पास एक सर्किट से अगर तुम करंट को फ्लो करोगे तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, यही बोला ना। यस सर। हाँ यस सर। करंट फ्लो करो, करंट फ्लो करो, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, यही बोला था उसने। यस सर। और yes, एक और भाई साहब पैदा हो गए, माइकल फैराडे 1831 में। इन लोगों ने, इन्होंने 1831 में क्या डिस्कवर कर दिया, उसने बोल दिया ऑस्ट्रेट को कि भाई साहब इसका उल्टा भी हो सकता है, इसका उल्टा भी हो सकता है, तुम एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना लो, ये इलेक्ट्रिक सर्किट बना लो और ये मैग्नेट को उसके, उस मैग्नेट को उसके पास ले जाओ, दूर ले जाओ, पास ले जाओ, दूर ले जाओ, करंट जनरेट होगा ना, करंट जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर कोई सेल दिख रहा है इस सर्किट में, कोई सेल है नहीं है, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा दिया गया है, गैल्वेनोमीटर लगा दिया गया है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर बहुत ही सेंसिटिव करंट को भी डिटेक्ट कर लेता है, समझ गए। मैग्नेट को पास ले गए, दूर ले गए, पास ले गए, दूर ले गए। अब समझो, मैग्नेट को तुम पास ले जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड, अब एक मैग्नेट है ना, अब ये मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा तो ये ऐसे जाएगा ना, ऐसे ऐसे ही जा रहा है ना, ऐसे। हाँ अब इसको तुम पास ले जाओगे तो इस कॉइल के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो गया या कम होगा? ज्यादा ज्यादा हो जाएगा। दूर ले आओगे तो मैग्नेटिक फील्ड, पास ले जाओ मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, दूर ले आओ मैग्नेटिक फील्ड कम। यस सर नो? अब आप बोलोगे सर ये क्यों बोल रहे हो, ये तो सबको मालूम है, मैग्नेट को पास ले जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा का मतलब करंट ज्यादा, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा का मतलब करंट ज्यादा और मैग्नेटिक फील्ड कम का मतलब करंट कम। चलो ये तो एक चीज क्लियर हो गया। हाँ 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 यस यस। लेकिन इसमें एक और चीज है बेटा, एक और मजेदार चीज है। तुम अगर मैग्नेट को पास ले जा रहे हो और करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है ऊपर की तरफ, तुम मैग्नेट को दूर ले जाओ, करंट उल्टा फ्लो करेगा, रिवर्स होता है। और ये गैल्वेनोमीटर लगाने का मेन कारण यही है कि आपको पता चले मैग्नेट पास ले जाओ, गैल्वेनोमीटर तो डायरेक्शन भी बताता है। जैसे ही मैग्नेट को पास ले गए उसका डायरेक्शन देख लो, मैग्नेट को थोड़ा दूर ले आओ उसका डायरेक्शन देख लो, बदल जाएगा। मतलब ये भाई साहब ने, माइकल फैराडे ने क्या कमाल का चीज डिस्कवर किया कि बोला ठीक है करंट पास करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड जेनरेट होगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड को भी पास ले जाओगे तो करंट जेनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड को भी पास ले जाओगे तो करंट जेनरेट होगा। और ये मैग्नेट जितना तेजी से घुमाओगे उतना ज्यादा करंट होगा, जितना तेजी से आगे पीछे करोगे। हाँ बेटा सर, अगर मैग्नेट स्टेग्नेंट हो तब करंट होगा या फिर सिर्फ मोशन में ही होगा? अच्छा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा तुमने। मैग्नेट, मान लो मैग्नेट घुमा रहे हो तो करंट होगा ना, ये तो मान गए। अब मैग्नेट को एक जगह फिक्स कर दो, मैग्नेट को एक जगह फिक्स कर दो और वायर को घुमाओ, करंट होगा या नहीं होगा, बोलो। यस सर, होगा। इफेक्ट तो वही होगा, सेम वायर मैग्नेट के पास, मैग्नेट से दूर, वायर मैग्नेट के पास, मैग्नेट से दूर, इफेक्ट तो सेम है। यस सर। समझ गए? मतलब या तो मैग्नेट को घुमा लो, हाँ दोनों स्टैग्नेंट हो तो कुछ नहीं होगा, तो फिर कुछ नहीं होगा बेटा। किसी को मोशन में रहना, हाँ दोनों में से किसी एक को मोशन में रहना है। और जब आप इलेक्ट्रिक जनरेटर पढ़ोगे तो उसमें देखोगे द मैग्नेट्स आर फिक्स्ड, द वायर इज मूविंग, द कंडक्टर कीप्स ऑन मूविंग,
और ये जितनी तेजी से मूवमेंट होगा उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा। समझ में आया? वही चीज मैंने यहां पर लिख दिया है। देखो बेटा, इंस्टेड ऑफ मैग्नेट इफ वी मूव द कॉइल टुवर्ड्स द मैग्नेट देन द इफेक्ट वुड बी सेम। द फास्टर द मूवमेंट ऑफ मैग्नेट द मोर इज करेंट इंड्यूस्ड। सर इंड्यूस्ड का मतलब? मतलब उसको करेंट दे रहे हो ना, उसमें अपने आप से थोड़ा ही आया वो करंट, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आया। ओके सर, ठीक है। यस यस। फिर एक और चीज मैंने आपको क्या बताया, मैग्नेट को पास ले जाओ और दूर ले जाओ तो दोनों में करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। समझ में आया? यस सर। यस सर। ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी भाई साहब सेम चीज आएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी दो मैग्नेट के बीच में करंट, दो मैग्नेट है नॉर्थ, एक है साउथ, यहां पर दो वायर को ऐसे परपेंडिकुलर रख दिया। अब इसमें तो फोर्स तो होगा या नहीं होगा, यहां पर भी लगेगा या नहीं लगेगा? एक वायर को नीचे की तरफ धकेल रहे हैं, हम खुद मूव करा रहे हैं, एक को ऊपर की तरफ मूव करा रहे वायर। एक वायर ऐसे, देखो एक मिनट, एक वायर नीचे जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है, ये हम करा रहे हैं, वी आर डूइंग इट, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। समझ में आया? तो अब मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, ये कौन सा रूल बताएगा, जल्दी बताओ। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड तो लग गया इलेक्ट्रिक मोटर में, जहां पर ये आएगा आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वहां पर लगेगा फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। समझ गए बेटा? यस सर। यस सर। सो इन नेक्स्ट क्लास व्हाट वी आर मोस्ट प्रोबेबली वी विल फिनिश द चैप्टर। हाँ बोलो बेटा। सर मैं कोई पूछना था सर, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में सर फिर टू वायर्स रिक्वायर्ड होगी ना सर इन दोनों मैग्नेट्स के बीच? हाँ, टू वायर्स रिक्वायर्ड होगी। हाँ सर, तभी पॉसिबल हो पाएगा। हाँ हाँ, दो मैग्नेट में ही पॉसिबल हो पाएगा, दो वायर में। यस, तभी तो मूवमेंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। सिर्फ एक के मूवमेंट से कुछ नहीं होगा। ठीक है, हम वो पढ़ लेंगे, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या कहता है वो पढ़ेंगे, और उसके बाद से हम इलेक्ट्रिक जेनरेटर का वर्किंग पढ़ेंगे। ठीक है? यस सर। ओके सर। बेटा मैं ये सब जो पढ़ा रहा हूं ना, सुनो बेटा, एक काम करना, अभी ना फर्स्ट टर्म को लेकर टेंशन ज्यादा मत लेना अभी फिलहाल, कम से कम अगस्त 15-20 तारीख तक, अगस्त 15-20 तारीख तक आप सेकेंड टर्म का टेंशन ले लो। मतलब इतने बार सेकेंड टर्म का पढ़ लो ना चैप्टर कि सेकेंड टर्म में जाकर आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको लोगों को सबको पहले ही बोला है, सेकेंड टर्म में चैप्टर्स डिफिकल्ट है बेटा, और सेकेंड टर्म में टाइम भी कम है। यस सर। एक तो टाइम कम, दूसरा चैप्टर डिफिकल्ट, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड बेटा, मुझे ही पता नहीं कितने क्लास लगेंगे उसको खत्म कराने में। हेरिडिटरी वगैरह है, हेरिडिटी वगैरह सर, वो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन डिलीट हो गया ना, डिलीट हो गया ना, आसान चैप्टर को डिलीट कर दिया, सारे रख दिए ऐसे वाले सेकंड टर्म में। कुछ तो थोड़ा सा बैलेंस कर देते, बैलेंस भी मुझे लगा था कि इलेक्ट्रिसिटी का एक चैप्टर, लाइट का एक चैप्टर दे देंगे फर्स्ट टर्म में। यस सर, सेम मुझे भी लगा था। हां, वैसा उन्होंने किया ही नहीं, बैलेंस हुआ ही नहीं, सारे डिफिकल्ट वाले सेकंड टर्म में चले गए। तो इसीलिए बोल रहा हूं बेटा, कम से कम अगस्त 15-20 तक में इलेक्ट्रिसिटी एंड दिस मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट,
इन दोनों चैप्टर को मैं टेस्ट नहीं लूंगा, लेकिन तुम अपने लेवल पे इसको ऐसे खत्म कर लो, इसके नोट्स तैयार करने, कुछ भी करने करके खत्म करो इसको अच्छे से, ताकि सेकेंड टर्म में तुम्हें सिर्फ उसके रिविजन की जरूरत पड़े। वी विल सेव लॉट ऑफ टाइम बेटा, इन दोनों चैप्टर को संडे संडे रिविजन में निपटा दूंगा, रेगुलर क्लास में बाकी चार चैप्टर कराऊंगा, समझ गए? Yes, इसके बाद से मैं एक और चैप्टर सेकेंड टर्म का उठा लूंगा, वो आसान वाला चैप्टर है ना, कौन सा चैप्टर? वो भाई ये क्या, अरे यार, रिसोर्सेस वाला, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला, ठीक है, वो चैप्टर को निपटा दूंगा, वो बिल्कुल आसान चैप्टर है। तीन चैप्टर निपट जाएंगे, तीन चैप्टर हमें करने होंगे सेकेंड टर्म में, ठीक है? और उसके बाद से फर्स्ट टर्म में फर्स्ट टर्म का सारा कर लेंगे, दो चैप्टर फर्स्ट टर्म का बचा हुआ आराम से कर लेंगे, ठीक है? यस यस। सो मैं अटेंडेंस ले लूं, फटाफट अटेंडेंस ले लेता हूं। अभी ये कौन सा बैच है? ये 8 बजे वाला बैच है। मुझे बेटा, मुझे प्लीज बताते जाना जो भी एबसेंट है। 8 बजे वाले बैच में आदित्य अग्रवाल, यस सर, छवि, छवि जल्दी से बताओ बेटा, देवांश प्रेजेंट, ध्रुव प्रेजेंट, हार्दिक अग्रवाल प्रेजेंट, कार्तिक सिंह प्रेजेंट, कोहब प्रेजेंट, देन मानवी प्रेजेंट, मारिया प्रेजेंट, दोनों जयत प्रेजेंट है, रिशांत प्रेजेंट, शिवा प्रेजेंट, सौर्य प्रेजेंट, वंश अग्रवाल प्रेजेंट, वंश कपूर प्रेजेंट, विद्धि सैनी प्रेजेंट। ये 8 बजे वाला बैच हो गया, 8 बजे वाले बैच में सारे प्रेजेंट। 3 बजे वाले बैच में अटेंडेंस ले लो, 3 बजे वाले बैच में कौन कौन है यहाँ से एबसेंट? यहाँ पर एबसेंट होंगे पक्का। अब्दुल हमीद प्रेजेंट, अदिति एबसेंट, अनिंदिता, देन अवनी इज ऑल्सो एबसेंट, हानिया इज प्रेजेंट, अच्छा अवनी प्रेजेंट है, हानिया